ग्रामीण अंचल में अगर हॉस्पिटल खुला है तो काफ़ी सराहनीय है। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। के लिए कि अस्पताल खुल गया जी। मेरे लिए अच्छा है। नमस्कार। भारत की जनता बहुत खुश रहती है आमतौर पर और समस्याओं में खुश रहती है। स्कूल की समस्या हो, स्कूल में लाइन लगानी हो तो थोड़ी देर के लिए उसे गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही स्कूल में घुस कर वो अपने बच्चे की फीस जमा करती है या बाहर वो परीक्षा में उसका बच्चा पास हो जाता है तो उसकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरीके से अस्पतालों की लाइन हो तो लाइन लगते हुए लोगों को लगता है कि यहाँ से भागो, सरकारी अस्पताल है यहाँ लाइन लगेगी, पता नहीं कब क्या होगा। प्राइवेट में भागो, प्राइवेट वाले खूब पैसा वसूलते हैं, थोड़ी देर के बाद लगता है कि यहाँ से भी भागो। उसी में खुश और उसी में दुखी, ये भारत की जनता की फेनामिना है। ये उसको मिला है, अभिशाप है इसकी भारत की जनता को झेलने का। जैसी स्थितियाँ हैं और जैसी सड़ी हुई व्यवस्था का शिकार है भारत की जनता, उसको शिक्षा भी ठीक से नहीं मिलती है, सारे संस्थान सड़ा दिए गए हैं, उसको स्वास्थ्य के लिए उसको दवाइयां तक ठीक से नहीं मिलती। भारत में स्वास्थ्य का जो बजट है 85,000 करोड़, कितना इससे जो है उनको सबको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, उसकी गारंटी मिलेगी, कितनी दवाइयां मिलेंगी, कितने मेडिकल कॉलेज चलेंगी। हम ये देखते हैं जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो पता लगता है कि किसी किसी जगह तो केवल नींव ही भरी गई है, लेकिन वहाँ डिग्रियाँ बढ़ती हैं ऐसा लोग बताते हैं। मैंने मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर बने हुए हैं। बलिया में अभी पिछले दिनों हम रिपोर्टिंग के लिए गए तो वहाँ एक लड़के को गोली मार दी गई और ट्रामा सेंटर के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि उसका इलाज हो सके, उसको तुरंत बनारस ले जाने की बात उन्होंने रिफ़र कर दिया। अब बलिया वाले कहते हैं ये रिफरल सेंटर है, यहाँ जाइए, एक पर्ची बनेगी, आप BHU जाइए, वहाँ पर धक्के खाइए। जौनपुर में शहर में बहुत सारे तरह तरह के अस्पताल हैं, बनारस यहीं पास में है, बहुत तरह के अस्पताल हैं, लेकिन वो गरीबों के लिए नहीं है ऐसा लगता है। 500, 700, 1000, 200, 300 रुपए लेकर डॉक्टर पहले देखते हैं और फिर उसके बाद वो लंबी जांच लिखते हैं, 25-50 किस्म की जांच लिखते हैं, क्योंकि आजकल सारा मामला इतना जटिल हो गया है कि डॉक्टरों की पकड़ से बाहर है। और अंदर खाने की बात यह है, सारी दुनिया जानने लगी है कि उनको जहाँ से कमीशन मिलता है उन दुकानों पर, उन पैथोलॉजी में वो भेजते हैं उनको ताकि अच्छी तरह उनकी वसूली हो और उसका कमीशन उनको मिलता रहे। ऐसी सूरत हाल में हमको लगता है कि महात्मा हैनीमैन जर्मनी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए ही पैदा हुए थे कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य नसीब नहीं होगा और उनको हमारी सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। हम आज पेशारा नाम के बाज़ार में हैं जो कि किराकत में है, मुफ्तीगंज ब्लॉक में पड़ता है, जौनपुर ज़िले का आखिरी गांव है, इसके उत्तर तरफ फिर आजमगढ़ शुरू हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं बिल्कुल एक कस्बा नुमा गांव है, कस्बाई गांव है, यहाँ बाज़ार है, ठीक ठाक बाज़ार है, तमाम सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, गुलजार है बाज़ार लोगों से। लेकिन यहाँ हमने एक आयुर्वेदिक अस्पताल को देखा जो इतना जीर्ण शीर्ण है कि वहाँ कौन जाएगा। इस तरह के हालात में लोगों के सामने चुनौती है कि उनका स्वास्थ्य लगातार संकट में रहे और लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहें, तो हम जानना चाहेंगे लोगों से कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फेस कर रहे हैं स्वास्थ्य के नाम पर। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार राय, श्रीकृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। इस इलाके में तो आप लंबे समय से रह रहे हैं जी, इस इलाके को ओवरऑल कैसे आप देखते हैं स्वास्थ्य के माने में? तो वास्तव में रूरल अंचल पे काफ़ी हम लोग पीछे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी रात में कोई ट्रस्टी हो गई तो कोई डॉक्टर ने कुछ कम से कम हमको 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तब हमको इलाज मिलता था। तो इसलिए ऐसे ग्रामीण अंचल में अगर हॉस्पिटल खुला है तो काफ़ी सराहनीय है और हमें अगर 24 घंटे यहाँ सेवा मिलेगी तो इसका काफ़ी अच्छा
असर पड़ेगा और ग्रामीण अंचल के लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा कि कम से कम तत्काल हमको रिलीफ के लिए दवा मिल जाए। अच्छा, ये जगह दिख तो रही है बढ़िया जी, और आमतौर पर आजकल जहाँ भी बाजार होता है बढ़िया ही दिखता है जी जी, यहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है और जिलों से अपने जिले से? यह आप जान लीजिए, यह टाउन एरिया गांव है और ज़िले के 82 क्षेत्र में माना जाना यह गांव है और यहाँ काफ़ी लंबे आपको मिलेंगे, यहाँ कम से कम 20-25 गांव मिलेंगे, उसका यहाँ असर रहेगा। अगर अच्छी समय से 24 घंटे सेवा मिलेगी तो असर भी, और ज़रूरत है ऐसे ग्रामीण अंचल में हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आज जिस मौके पर हम आए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, असल में उस मौके का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस बाज़ार में डॉक्टर आनंद सोनकर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मदर सेंट चाइल्ड केयर सेंटर खोला है जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देगा, और उसके साथ साथ ये है कि ये किफ़ायती हॉस्पिटल होगा, होम्योपैथ की पद्धति के साथ साथ एलोपैथी पद्धति का भी यहाँ इस्तेमाल होगा। इस मुकाम तक डॉक्टर आनंद सोनकर को पहुंचाने वाले उनके पिताश्री खुद एक जाने माने होम्योपैथ हैं और बड़े ही आदर्शवादी होम्योपैथ हैं। मुझे लगता है कि चंदवा इलाके में सबसे सस्ती दवाइयां और मौखिक तौर पर मैंने देखा कि फोनिक संवादों से इन्होंने जितने मरीजों को ठीक किया वो भी अपने आप में एक इतिहास है। कभी कोई किसी फीस की मुझे लगता है इन्होंने उम्मीद ही नहीं की कि फीस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डॉक्टर के एल सुनकर सौमित्र नाम से कविताएं भी लिखते हैं, उनका एक कविता संकलन है ये हिंदुस्तान के किस्से, अभी पिछले दिनों छपा था। उनसे बात करना, वो लोक संस्कृति के बहुत मर्मज्ञ हैं और किसानों के कवि हैं, किसान चेतना के कवि हैं। किसानों के बारे में उनसे पूछिए, बहुत सारी चीज़ें उनके अनुभव के हिस्से हैं और वो मानते हैं कि किसानों और मजदूरों के वे डॉक्टर भी हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर के एल सुनकर सौमित्र से ही बात करेंगे कि आज इस मौके पर उनको कैसा लग रहा है कि उनके बेटे ने एक अस्पताल ही खोल ली। जब भी अपना आने वाला जो पीढ़ियां हैं वो अगर आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर से खुशी होती है, और उसमें से हम भी हैं कि हमें भी खुशी हो रही है कि आज यहाँ हमने अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल का जो है खुलवाया है, आज उसकी ओपनिंग है, लोकार्पण किया है। और अन्य लोग भी जैसे जौनपुर से भी इंद्र सिंह और उनकी मैडम डॉक्टर लता सिंह आए हैं और लोग उसका काफ़ी हमें सराहना मिली है, और भी लोग आएंगे। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। आज के आयोजन के मुख्य जो केंद्र हैं डॉक्टर आनंद सोनकर युवा हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे एक आदर्शवादी डॉक्टर हैं जिनको जनता के प्रति एक प्यार और संवेदना है। इसीलिए इन्होंने किसी शहर में अपनी क्लिनिक खोलने के बजाय इस गांव को चुना जहां वे अपने को सही ढंग से अपनी सेवाएं दें, उन लोगों को दें जिनकी उनको ज़रूरत है। तो आनंद जी, आपने यहां क्या सोचकर चुना इस जगह को? जी, मैं यहां इस जगह की सोच के इसलिए चुना क्योंकि यहां के लोग को मैं सेवा दे सकूं। यहां पे रात में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि कोई डॉक्टर आई थिंक उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। मैं यहाँ पे रात में 24 आवर्स रहने का मैंने यहाँ पे पढ़ा लिया है और यहाँ पे लोगों की अच्छी सस्ती व्यवस्था दे सकूँ और सस्ते में जितना हो सके मैं उससे अच्छी व्यवस्था दे सकूँ सर। तो अभी आपने होम्योपैथी की शुरुआत की यहाँ पर, बाद में एलोपैथी, और क्योंकि मदर्स और चाइल्ड केयर का जो सेंटर है जी, उसमें तात्कालिक रिलीफ की जो दवाइयाँ हैं वो निश्चित रूप से एलोपैथ में ही मिलेंगी जी। तो क्या उसकी भी शुरुआत आपने जी, की है? जी, मैं उसकी भी शुरुआत की हूँ। तत्काल रिलीफ के लिए तो मुझे उसकी सपोर्ट लेना पड़ेगा और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सपोर्ट मिले और उसका सपोर्ट लेके मैं अच्छे से अच्छे मरीज को जल्दी से मैं रिलीफ दे सकूँ। तो यहाँ कितने डॉक्टर हैं अभी काम कर रहे हैं? मेरे पास डॉक्टर इंद्र सर हैं, उनका वो यहाँ इस समय जौनपुर में ओम साई बाल चिकित्सालय चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। हाँ, और डॉक्टर इंद्र सिंह हैं, वो जनरल फिजिशियन हैं, उनका भी हॉस्पिटल इंदिरा लाइफ केयर हॉस्पिटल जौनपुर में है, वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर लता सिंह हैं, वो गैनी हैं, बहुत अच्छे सर्जन भी हैं। इस इलाके में एक अस्पताल खुला
इस अस्पताल के खुलने का क्या महत्व आप देखते हैं? यहाँ बहुत महत्व है। हमारे यहाँ प्राइमरी स्टेज पे कोई कादे का डॉक्टर नहीं है जो इस तरह का लोगों का इलाज कर सके। कुछ दो तीन हैं लेकिन वो डॉक्टर जो है रात में कोई मतलब नहीं रहता, निकलता उनका। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है और मेन सिटी से हम लोग काफ़ी दूर हैं, 35 किलोमीटर पड़ता है। साधन का अभाव है, लोग कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनकी दशा आप देख ही रहे हैं। देश में जो सबसे बड़ा संकट है वो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर है। महिलाओं को पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी होती, लेकिन भोजन का दायित्व उनका तब शुरू होता है जब सबको खिला चुकी होती हैं। आमतौर पर पूरे देश की 47% ऐसी महिलाएं जो एनीमिया के शिकार हैं, जिनका हीमोग्लोबिन इतना कम होता है कि अगर वो थोड़ा सा और कम हो जाए तो उनकी जान चली जाए, इस तरह की परेशानियाँ। मैडम, यहाँ ये मदर्स और चाइल्ड केयर माने माता और बच्चे का की देखभाल वाला अस्पताल शुरू हुआ है, तो इस इलाके में उसका क्या महत्व है और आपके नज़र से क्या महत्व है? बढ़िया हुई तो हमारा बेटा है। जी जी हाँ, तो बताइए आप किस इलाके में रहती हैं? चंदवा। हाँ। महिलाओं को अस्पताल की कितनी ज़रूरत पड़ती है? बहुत ज़रूरत पड़ा। ये एक महिला होने के नाते महिला अस्पताल खुल रहा है तो डॉक्टर साहब के लिए आपका क्या कहना होगा? के लिए कि अस्पताल खुल गया जी, मेरे लिए अच्छा है भाई, सहयोग करें जी, अच्छा करें। जैसे उनके पिता बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो अब पुत्र के लिए भी आप क्या सोचती हैं? उनको लिए भी सहयोग सोच रहे हैं कि उन भी आगे बढ़ें। स्वास्थ्य केंद्र तो जाते हैं हम लोग तो डॉक्टर, कोई कहता हमारी चाची मर गई है, कोई कहता मैं जौनपुर जा रहा हूँ, भर्ती नहीं करूँगा, कौन देखेगा, दवा लिख देते हैं बाहर से इतनी महंगी महंगी कि बताइए, जब हमको बाहर से दवा लेना तो हम प्राइवेट नहीं जाएंगे, क्यों सरकारी में जाएंगे? जो डॉक्टर हैं वो महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, महंगी जांच लिखते हैं जी। क्या अभी भी माना जाता है कि जो आपको बीमारी से उबार दे, उस मनस्थिति से उबार दे और सही दवा दे दे वही डॉक्टर है जी? ऐसे कितने डॉक्टर आपको मिले अब तक? ऐसे तो बहुत कम मिले कि जो गरीबी को समझ सकते हैं, जो है कि भाई चलो इनका नैया पार कर दें, बाकी तो सब इतनी बार बार जांच लिख देते हैं कि उतने में 100 रुपये पड़ जाती है। हाँ, डॉक्टर साहब बढ़िया हैं, मतलब दवा ववा बढ़िया देते हैं जी, और जो उन्हों की भाई आराम हो जाता है जी। आपका गांव कहाँ है? चंदवा। तो अपना नाम बताइए। गुड्डी जी, कहाँ से आई हैं आप? चंदवा से। अच्छा। हाँ। तो अभी डॉक्टरी खुली है ये? हाँ। इस तरह के अस्पतालों की कितनी ज़रूरत है आजकल? बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लोग एक डॉक्टर से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो कैसा होना चाहिए डॉक्टर? नहीं, बढ़िया होना चाहिए। किस रूप में? हर चीज़ में होना चाहिए कि नहीं भाई कोई दिक्कत है परेशानी है तो दवा अच्छी दें, अच्छा। आनंद ने अपना चिकित्सालय खोल लिया तो उसकी क्या खुशी है आपको, उसको शेयर कीजिए। खुशी यह है कि बच्चे लोग को मैंने पढ़ाया लिखाया तो बच्चे लोग कामयाब हो जाएं, अच्छे से रहें, तो उससे आनंद किया। आनंद के बड़े भाई हैं संजय कुमार सोनकर। आनंद बहुत लगन से अपना जो कि कुछ दिन जो है 2-4 साल जो अपना जो है कि पढ़ता रहा और साथ में प्रैक्टिस भी लोग बीच में वहाँ पर जो हॉस्पिटल थे वहाँ पे अपना प्रैक्टिस भी करते रहे तो ज्ञान भी लेते रहे, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल इनका साथ में चलता रहा। तो बीच में भी सर आए थे अभिषेक मिश्रा जी, अभी आप देखे किए हैं सर अभिषेक मिश्रा जी के, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो वहाँ भी कुछ दिन अपना लिए हैं जो है। और इंद्र लाइफ केयर के भी डॉक्टर साहब आए थे इंद्र कुमार जी, वहाँ भी अपना जो जनरल चिकित्सा के बारे में अपनी जानकारी ली है, अच्छी अच्छी जानकारी है और मैं उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। पेशारा बाजार में यह जो अस्पताल खुल रहा है उसको लेकर लोगों में उत्साह है कि यह एक अच्छी भूमिका अदा करेगा इधर के लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों में इस बात की उम्मीद है और तसल्ली भी है कि संभव है कि उनकी जो तमाम तरह की परेशानियां हैं, रोजमर्रे की जो परेशानियां हैं स्वास्थ्य संबंधी या जटिल परेशानियां हैं, उनके बारे में सही सलाह मिलेगी, सही निदान होगा और सही जांच और सही दवा मिलेगी, ताकि वे तमाम ऐसी परेशानियों से बच सकें जो स्वस्थ होने के लिए वो झेलते हैं। यहाँ से कई कई शहरों में जाते हैं, कई महानगरों में जाते हैं, देश के इस कोने से उस कोने तक भी लोग चक्कर लगाते हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि एक अच्छा अस्पताल किसी भी इलाके की ज़रूरत है। पेशारा बाज़ार जौनपुर से गांव के लोग के लिए मैं राम दिया।